बाबा साहब, मुझे ये प्रेजेंटेशन पसंद नहीं आता। इसमें बहुत सी खामियां हैं। इट नॉट रियलिस्टिक। अगर इसको टाइमली एग्जीक्यूट ना किया गया तो उसमें बहुत नुकसान होगा और मुझसे ज्यादा आपका नुकसान होगा। सर, अगर कोई कंसर्न्स हैं तो प्लीज मुझे बताएं, विल रीडू इट अगेन। देखिए अहमद साहब, मेरे बिजनेस करने के कुछ असूल हैं। मैं तो नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अगर मेरे साथ किसी और का नुकसान हो रहा हो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये बिजनेस है सर, आप इमोशंस के बजाय यहां प्रैक्टिकल होकर सोचें, प्रॉफिट के बारे में सोचें। बिजनेस में प्रॉफिट से ज्यादा गट फीलिंग इंपॉर्टेंट होती है। बरखुदार, आप जानबूझ के कर रहे हैं सब मुझसे बदला लेने के लिए, मुझे नीचा दिखाने के लिए, ताकि आपकी जीतो मेरी हार। मत कीजिए ऐसे, कब तक मेरी राह में रुकावट बनते रहेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने मनाहिल को। शज़ैन, बिहेव योरसेल्फ। ऑफिस है हमारा, ऑफिस है हमारा, बिहेव योरसेल्फ। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, शाज़ैन, ये क्या पागलपन है, क्लाइंट के साथ ऐसे बात करते हैं? क्या कर दिया तुमने? फॉर गॉड्स सेक, दिस इज बिजनेस। मुझे मत सिखाइए आप। मैंने प्रेजेंटेशन बहुत मेहनत से बनाई थी एंड आई न्यू इट वुड वर्क। इन्होंने मुझसे बदला लेने के लिए रिजेक्ट किया। एंड आई नो, मुझसे इस टोन में बात मत कीजिएगा। आई एम योर बॉस, डोंट शो मी दिस एटीट्यूड। तुम मेरे एम्प्लॉय हो। And this is business. ये घर के मामलात घर में निपटाओ। What is this nonsense? तुमने तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं मेरी छोड़ी है। ये भी तुम्हें एहसास नहीं है कि वी आर इन द बोर्डरूम। बेवकूफी मेरी थी, आई वॉज स्टूपिड टू ट्रस्ट। मैं समझा था कि तुम एक प्रोफेशनल और इंटेलिजेंट आदमी। माई मिस्टेक। शाज़ैन, यू आर फायर्ड।